अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, ये मेरी पहली मॉर्निंग है इसमें लिस्बन में, और मैंने कहा कि मैं आपको सुबह उठकर बताऊं कि मेरा कैसा रात गुजरी और मैं कहाँ ठहरा। तो मैं एक फ्लैट में ठहरा रात को, और ये सुबह सुबह का वक्त है, बाहर गाड़ियाँ पार्किंग में लगी हुई हैं। मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि मैं जो फ्लैट में ठहरा था उसका क्या सराउंडिंग्स थी और कैसा था। ये अलमारी है और इसमें मेरे कुछ कपड़े वगैरह मैंने टांगे, ये मैंने शावर लेके आया हूँ। ये मेरा सामान बिखरा पड़ा है नीचे, मैं अभी पैकिंग करने के मराहल में हूँ। ये मेरी जैकेट है, चार्जर है। तो मैं यहाँ पे इस फ्लैट में ठहरा हुआ था रात को। तो ये वॉशरूम है जहाँ पे मैंने अभी शावर लिया है। ये हॉट शावर, बड़ा ज़बरदस्त हॉट शावर यहाँ पे दिया है। तो उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और फ्लैट का विज़िट करवा दूँ जहाँ पे मैं ठहरा हुआ हूँ। ये लिविंग एरिया है जहाँ पे ये सोफ़े वगैरह लगे हुए हैं, टीवी है और हीटर भी है यहाँ पे। ये थर्मल हीटर है, इलेक्ट्रिक, छोटी सी डाइनिंग टेबल है, और यहाँ से भी व्यू आता है बाहर का। ये कोई तकरीबन सेकंड फ्लोर है इस बिल्डिंग का। ताकि मैं आपको आज मैं किचन की भी सैर करवाऊँ। ये किचन है जहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह होता है और सारे लंच वगैरह और ये चीज़ें। और आपको मैं ये बताता चलूँ कि लॉन्ड्री भी साथ ही छोटी सी बनी हुई है, किचन के साथ ही उन्होंने लॉन्ड्री दी हुई है। और मज़े की बात है कि हर बेडरूम में, हर रूम में बाहर की एक्सेस हासिल है, विंडो वगैरह है। जैसे आप देखें यहाँ पे भी विंडो है, और इवन लॉन्ड्री वाली साइड पे भी विंडोज़ हैं। ये लॉन्ड्री है, ये वॉशिंग मशीन यहाँ पर रखी हुई है, तो ये भी विंडोज़ हैं। तो मैंने कहा कि मैं आपको बता दूँ, ये डाइनिंग टेबल छोटी सी पड़ी हुई है यहाँ पे। ये ऑलिव ऑयल, क्योंकि यहाँ ऑलिव बनते हैं तो ये ऑलिव्स बेतहाशा होते हैं यहाँ पे। एक सिंक, कुकिंग रेंज वगैरह सारा छोटा सा सारा रखा हुआ है। तो मैंने आपको बताना था कि सुबह मेरी मॉर्निंग कैसी हुई यहाँ पे पोर्टुगल में। तो इंशाल्लाह मैं आपको आगे भी अपडेट करता रहूँगा अबाउट माई जर्नी इन टू द यूरोप।